अच्छे हमारे से क्या हाल चाल है आप सभी मैं बात करूँगा आप सबसे आप सभी अच्छे में सो गए। मेरा सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ बिहार, इंस्टेंट प्लान है, कल ही तत्काल मेडिकल बुक हुई है, मैं जा रहा हूँ और किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। तो लगातार ब्लॉग देखते रहना, इस चक्कर में देखो क्या। सो बैग मैंने पैक कर लिया, वैसे बैग लेके जा रहा हूँ, लैपटॉप बैग, कुछ सामान वगैरह रखा है, बस यही लोअर वगैरह रखे, टी शर्ट वगैरह, एक जीन्स रखी, बस ज़्यादा कुछ नहीं रखा। सो 12 बजे की ट्रेन है, अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो हम निकलते हैं, लेट ना हो जाएगी, ट्रेन ही में सो रही थी तत्काल की वैसी है। सो निकलते हैं, मिलता हूँ रेलवे स्टेशन जाकर, निकलना थोड़ी देर में। घर से निकल चुका हूँ, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके, और अब वो तो ही मेरे चलते हैं हॉस्पिटल, मैं बिहार मैं रास्ते में ये भी ले लिया, लेने चाहिए, मैंने हाफ दर्जन लिया है। जब हम जा रहे हैं तो मौसम देखो कितना मस्त हो गया, हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अब चलते हैं अंदर। लेके हैं एंट्री साइड, भीड़ लग गई है पहले एंट्री में। यहाँ से हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, वेकेशन चल रही है समर वेकेशन, चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 13। और मैं पहुँच गया हूँ 11:06 पे, 1 घंटे पहले ही पहुँच गया हूँ, बैठने के तो सीट मिल चुकी है, हम लोग वेट नहीं करना। ये देखो गाइस हमारी गाड़ी उल्टी आ रही है, चलो उल्टी से याद हो गई, उल्टी है पर हमारी गाड़ी। सो गाइस हमारी सीट है B12 में और ये B4 है, अभी हमारी बुकिंग काफी पीछे है। मिल चुकी है सीट, मैं तो बिल्कुल बोर हो गया हूँ, तो आवाज आ रही होगी आपको, वैसे घूमने फिरने निकल गया हूँ, ट्रेन की बुकिंग में घूम लो, और रात टाइम हो गया रात के 7:30, और खाना भी ऑर्डर कर दिया है मैंने, खाना मुझे मिलेगा लखनऊ में, ऑनलाइन ही कर दिया, ट्रेन का खाना मुझे बहुत बेकार लगता है, IRCTC से मैंने ऑनलाइन बाहर के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया, तो खाना आएगा फिर खाना खाएंगे, और सामने वाले इतने सारे बच्चे हैं ना स्कूल में जा रहे हैं। पहले फोटो तो वैसे हमारा खाना आ चुका है, खाना निकालते हैं, बाहर से ऑर्डर किया मैंने इसलिए क्योंकि रेलवे का आपको लोगों को पता है अच्छा नहीं मिलता। चाय लेमन टी, नींबू चाय, चाय कितने का? 10 का। लो चाय वाला, चाय भाई, मसाला ज्यादा नहीं दिए। ट्रेन हो गई 1 घंटे लेट, चल चुके हैं दरभंगा, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं पहले स्टेशन। सत्तू टट्टू
सर को मैंने शर्ट कैसे चेंज कर ली, तो भाई मैं गेस्ट रूम में जाकर उनको वॉशरूम में जाके मैंने शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि भैया को आने में टाइम लगने वाला था, भैया लेने के लिए आ गए मुझे, तो मैंने सोचा शर्ट चेंज कर लेता हूँ, कल से यही पहन रखी है, पसीने में वैसे ही आने जाने में वैसे तो भारी खाटे से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यार फिर भी मैंने चेंज कर ली शर्ट, भैया आ रही है फिर निकलते, भैया कह रहे हैं बस 5-10 मिनट आ रहा हूँ, देखते कब तक आते, तब तक हमें मंदिर ही दिखा रहे थे, ये हनुमान जी का मंदिर बिहार में आम जो मिलते हैं ना वो मस्त मस्त, यहाँ पे दिल्ली वगैरह में तो कारपेट से पकाए हुए आम होते हैं, यहाँ पे नेचुरल आम, देख रहे हो भाई, तो भाई यहाँ पे भी बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं बंदे, पुलिस वाले टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आने में, तब से मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कहाँ रह गए, ट्रेन इतना लेट है, कोई भी ट्रेन में बैठ के आ जाता हूँ, वही लेट है गाइस, ये है बिहार के रिफ्रेशमेंट ड्रिंक सत्तू, और भैया तो घर जाने से पहले कुछ काम है गाड़ी में, जो एक्सीडेंट हुआ था ना, मतलब साइड से क्रैश हो गई थी, तो उसका विंडो तो वही सही करवा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे वापस घर के लिए, यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर है घर, मुझे वरना बहुत ही प्यारी लगती है, देखो कितनी तगड़ी लग रही है, ब्लैक रानी लग रही है, रानी अभी एक आंटी जा रही हो, उन्हें लगा मैं उन्हें कह रहा हूँ रानी लग रही है, तो वो यही ट्रक वाले ने मार दिया था, तो यही सही करवा रहा, तो लगता है बैठे बैठे रात हो जाएगी, यही बैठे बैठे बोर हो गए भैया, अभी उनसे कह रहे थे कि जब से आया हूँ बोलता अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सही होने में, क्योंकि दोनों साइड के वो डोर हैंडल्स को चेंज करना पड़ा, और बैक सेंसर भी ख़राब था, तो वो भी चेंज कर, सही होता है फिर सीधा करने के लिए, बज चुके हैं 11:30, वीडियो बनाना ही भूल गया था, आगे से जब फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया, तो आप लोगों से मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, दिखाऊंगा कौन कौन है यहाँ पे, तो नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी मस्त होने वाला है, सो इस वीडियो का प्यार बरसा देना, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, सोते हैं आप बहुत ज़्यादा थक गया, यही दिक्कत होती है दिल्ली से बिहार आने में, ट्रेन जर्नी में ही हालत खराब हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती।